हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्वेटर है तो इसी में से हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे के लिए स्वेटर बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसको उल्टी साइड से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ से पहले कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लंबाई में 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर तिरछे में 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें तिरछे में लाइन खींच देनी है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई 5 इंच रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से आर्मोल की गोलाई कर देंगे। और सीने की चौड़ाई हम यहाँ पर 11 इंच रखेंगे, 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे, ये हमारा 1 इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आगे वाला पल्ला हो गया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्वेटर को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे। और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है और गले की चौड़ाई भी हमें सेम रखनी है। यहाँ पर गले की गहराई 1 इंच रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो इस पल्ले को हटाकर हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारा पीछे वाला पल्ला हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से बाजू निकाल लेते हैं। तो बाजू की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच, आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई कर देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर दी है। सेम इसी तरीके से इस वाली बाजू में से दूसरी बाजू निकाल लेते हैं, इसी के बराबर हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है और ये हमारा पीछे वाला पल्ला है और ये हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग करी है और ये हमारा जो गले की पट्टी है तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को निकाल लिया है। इस पट्टी को हम क्या करेंगे, गले में सिलेंगे। इस तरह से हमें इस पट्टी को कुछ इस तरह से सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटे बच्चे के लिए स्वेटर की कटिंग करना सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।